गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए हरे प्याज और आलू की सब्जी बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए, प्याज को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और पीले पीले जो इसके पत्ते थे उसको मैंने हटा लिए हैं। प्याज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। जो वाइट वाले पार्ट है इसकी मैं बारीक बारीक कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से हमने कटिंग करके तैयार कर लिया है। और इसके जो ग्रीन वाले पार्ट है इसको भी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। और चलिए, ये भी लगभग कटिंग हो गई है हमारी। तो कढ़ाई को रख देते हैं गैस पे गर्म होने के लिए। और कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है तो हम इसमें डाल रहे हैं 3 बड़े चम्मच तेल। और जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा इसमें डालेंगे 1/2 TSP के करीब जीरा। जीरा को हल्का सा तड़कने देते हैं। उसके बाद हम इसमें करीब 4 से 5 लहसुन की कली बारीक कटिंग किया हुआ इसमें डाल रही हूँ। और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद इसमें डालेंगे आलू, जो कि मैं 2 मीडियम साइज़ के आलू ली हूँ और इसको मैंने छोटे छोटे आकार में कटिंग कर लिए हैं। और इसको करीब करीब हमें सॉफ्ट होने तक इसी तरह चलाते हुए फ्राई करना है। कम से कम हमें इसे 4 से 5 मिनट फ्राई करना है, ताकि आलू हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो करीब करीब हमें इसे 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम गैस पर पकाना है इसे। अभी आलू को कवर कर देते हैं ताकि ये जल्दी से हल्का सॉफ्ट हो जाए। और 5 मिनट करीब करीब होने के बाद एक बार चेक कर लेंगे इसे। ये देखिए, आलू बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। तो इसमें ऐड कर लेंगे जो प्याज, हरी प्याज थे उसके वाइट वाले पार्ट को, और इसको आलू के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए, तो हल्का ये भी फ्राई हो गया प्याज, तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं टमाटर। 1.5 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिया है और इसको बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। और टमाटर हमें 1.5 डालने से थोड़ा सा जो प्याज है ना उसमें खट्टापन चाहिए, तो इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इसको भी आलू और प्याज के साथ मिक्स कर लिया है मैंने। अब ऐड कर रहे हैं हल्दी पाउडर 1/2 TSP के करीब और धनिया पाउडर 1.5 TSP के करीब। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर 1 TSP के करीब। मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये सभी मसालों को आलू और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद गैस को कर लेंगे लो और इसको कर लेंगे कवर। और कम से कम 3 से 5 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। चलिए, तो 5 मिनट हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। और जो टमाटर और प्याज है उसी के मॉइस्चराइजर में हमने इसे सब्जी को पकाना है। हमने कोई एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड नहीं किया है। सब्जी काफ़ी टेस्टी बनती है। और आलू को मैं चेक कर लेती हूँ, तो अभी टाइम लगेगा इसे, कम से कम 4 से 5 मिनट और हम इसे पकाएंगे। तो इसे कवर कर लेते हैं और लो फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट और पकने देते हैं। चलिए, तो 5 मिनट के करीब हो गया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं सब्जी को। आप चाहें तो इसे बीच बीच में चलाते हुए पका सकते हैं। तो चलिए, एक बार हम चेक कर लेते हैं सब्जी को। और ये बिल्कुल ड्राई हो गया है और सब्जी हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से पक गया है। तो हम एक बार इस आलू को चेक कर लेते हैं कि ये आलू हमारा चलिए आलू भी हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो हम इसमें अब ऐड कर रहे हैं 2 साबुत लाल मिर्च, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सब्जी में। और उसके बाद हम डालेंगे, आलू सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें हरा प्याज भी ऐड कर लेंगे। और करीब करीब लो फ्लेम पे ही इसे बिना ढके पकाएंगे 3 से 4 मिनट के करीब। इससे जो ये लास्ट में हम प्याज के पत्ते डाल रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छे सब्जी की टेस्ट आती है। तो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। और इस तरह से इसको बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। पानी इसमें बिल्कुल भी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए, इसको कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है और देखने में भी बहुत ही अच्छा, और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है इसका। तो इस तरह से हमें लो फ्लेम पे बिल्कुल इसे
3 से 4 मिनट पका लेंगे। एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं और ये देखिए जो हमारा प्याज है वो हल्का सा गलने लग गया है और इसका कलर देखिए चेंज हो गया है ना, तो ये बहुत ही अच्छा टेस्टी सब्जी बनता है। और चलिए लगभग सब्जी हमारा बनकर तैयार हो गया है, 3 से 4 मिनट हो गया है इसे पकते हुए, तो अभी पककर तैयार हो गया है। एक बार मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए प्याज कितना अच्छा से सब्जियों में मिक्स हो गया और बहुत ही अच्छी तरीके से, देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। तो चलिए हमारा सब्जी तैयार हो गया है, अभी कर लेते हैं गैस को बंद और गैस बंद होने के बाद इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। चलिए तो सब्जी हमारा रेडी हो गया है, आप इसे चपाती, पराठे, राइस किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप लोग घर पे ट्राई कीजिए। कमेंट में प्लीज़ मुझे बताइए कि कैसी लगी इसकी टेस्ट, ताकि मैं रोज़ एक नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू सो मच।